अस्सलाम वालेकुम जी, अभिषेक आप लोगों के साथ। ये रिफ़ाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड और रिफ़ाइनरी से रिलेटेड एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि जी रिफ़ाइनरीज़ को बंद करने का सजेशन दिया गया है। 3 रिफ़ाइनरीज जिसमें PRL, NRL और BICO शामिल हैं, और बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी बात को कि शायद इसी वजह से इतनी मार पड़ी है इन तीनों रिफ़ाइनरीज़ को, बल्कि चौथी अटक रिफ़ाइनरी को भी काफ़ी पड़ी है। लेकिन बंद करने की बात ये 3 रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से की गई है, और वो है जी चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पेट्रोलियम, एक मतलब इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि उससे सजेशन ली जाती है, उसमें कुछ इस फील्ड के ऑयल रिफाइनरी इन फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस ग्रुप में शामिल किया गया है। अब उनमें से एक मेंबर है रहमतुल्ला, जो कि पहले CEO रह चुके हैं शेल के, फिर उसके बाद अभी मेरा ख्याल है हैस्कोल के भी हैं वो चेयरमैन। तो उनकी तरफ से सजेशन थी ये कि इन तीनों रिफाइनरीज को बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो एक मेंबर है जो रिफाइनरी से रिलेटेड उनका एक्सपोजर एक्सपीरियंस नहीं है, वो बेसिकली ऑयल सेक्टर के हैं, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी का सारा एक्सपोजर उनका यही है। तो बेसिकली जस्ट एंड जस्ट उनकी तरफ से एक सजेशन है, और उसको इतना सीरियस लेके और उसको इतना हेडलाइन बना के ये न्यूज़पेपर की ये आपके सामने ये ओपन किया हुआ है मैंने, वो उन्होंने शेयर कर दिया है कि जी ये पेट्रोलियम जो है ना, इस वजह से लगता है कि ये 3 रिफाइनरी शायद बंद होने वाली है, ये इम्प्रेशन ऐसा दिया गया। तो पाकिस्तान में टोटल 5 रिफाइनरीज हैं, ये 3 अटक रिफाइनरी और PARCO, वो बाकी 2 हैं। 3 उसके अलावा जो है पाकिस्तान में उनको बंद करने की बात कर रहे हैं, PRL, NRL और BICO। तो पीछे रह क्या जाएगा। सेकेंडली, पिछले 20 साल में पाकिस्तान में कोई नई रिफाइनरी लगी नहीं है। उसके अलावा ये है कि सिर्फ और सिर्फ NRL ऐसी रिफाइनरी है जिसने अपने आप को पिछले कुछ अरसे में अपग्रेड किया है Euro 5 तक, बाकी किसी ने भी नहीं किया। और NRL की यूरो 5 की कैपेसिटी भी बहुत लो है। मेजर हम अभी तक पाकिस्तान वाहद कंट्री है ये एशिया के जो पिछले कई साल से Euro 2, Euro 3 तक चल रहा है। तो Euro 5 इंडिया अब टोटली Euro 5 बना रहा है। उसकी उसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है जी, कि एक तो उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ती है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, उसमें रेवेन्यू ज़्यादा बेहतर जनरेट होता है, उसकी मशीनरी थोड़ी एडवांस रिक्वायर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट का काम है, लेकिन बहुत सारी ऑटोमेशन हो जाती है, कम टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्शन, माइनिंग, रिफाइनरी, ये सारा कुछ हो सकता है। तो पाकिस्तान अभी तक इसमें बहुत पीछे है, और इसको बेहतर करने के लिए एक ऑयल रिफाइनरी ड्राफ्ट की गई थी, लेकिन उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस लगे, वो ख़त्म नहीं हुई। अभी भी लोगों में अभी भी इम्प्रेशन ये चल रहा है कि वो ख़त्म हो गई, बस बेवकूफ़ी या आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हम क्या कह सकते हैं यार इसको, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा ये बात पॉइंट आउट करना भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लोग हैं हम, तो इस तरह से मुनासिब नहीं होता कि किसी भी गवर्नमेंट को या इस तरह से अगेंस्ट स्टेटमेंट दी जाए। बेहतर ये होता है कि हम पॉलिसी से रिलेटेड बात करें। तो बहरहाल जी, ये कम इल्मी, ला इल्मी, बेवकूफ़ी कुछ भी कह लें, इस वजह से ये डिले हुआ। उस पर ऑब्जेक्शंस क्या लगे हैं जी, ऑब्जेक्शंस ये है कि उसकी वजह से हमारा जो है रेवेन्यू टैक्स का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स हॉलीडे कह रहे हैं। तो उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्शन वो बहुत वैलिड है, उसके लिए ये रिफाइनरी जो कंपनीज हैं, ये ओनर्स हैं, इन सब को एतमाद में लिया जा रहा है, मतलब इनसे कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है कि ये मेजर रिफाइनरी पॉलिसी का मकसद ये है कि वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टैक्स हॉलीडे इंजॉय नहीं करेंगे। तो जब तक वो कन्फर्मेशन नहीं देते कि हाँ जी 75% पॉलिसी का मकसद जो है अपग्रेडेशन है, फर्दर इन्वेस्टमेंट है, Euro 5 की तरफ जो स्विचिंग है,
इंपोर्ट करने के लिए या अपनी मशीनरी को अपनी कैपेसिटी को बेहतर करने के लिए वर्किंग है, जब तक ये रिफाइनरी वाले जो खुद से इसको इंश्योर नहीं करेंगे तब तक इस पर अभी तक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगा। सेकंड ऑब्जेक्शन है कि FBR ने कहा हुआ है कि टैक्स कलेक्शन इसमें कम आएगी, लेकिन FBR ने उसका गो अहेड दे दिया है। ये एक इंडिपेंडेंट इन्होंने जो कुछ कमेटी और अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसीज के लोगों को हायर किया था, ये उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन थी। तो जब तक ये क्लियर होगी, मैं आपको शॉर्टी देता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये इसी साल में क्लियरेंस आ जाएगी, लेकिन तब तक इसको नेगेटिव न्यूज़ फैला के मारा जा रहा है। अब ये जो न्यूज़ है इसको हेडलाइन बनाया हुआ है, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है, इस पर किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। सेकेंडली, ये एप्लीकेबल नहीं है कि जी ये रिफाइनरीज बंद कर दी जाए। तो वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है, 5 से 7 साल लगते हैं एक रिफाइनरी को एस्टेब्लिश होने में, ठीक है जी। उसमें 3 साल 4 साल इंजीनियरिंग वर्क होता है, 1 से 2 साल उसका जो सेटअप लगाना होता है, फिर उसके बाद उसकी एक ट्रायल प्रोडक्शन होती है, फिर उसके बाद उसको चेक किया जाता है, फिर एक प्रॉपर उसमें वर्किंग स्टार्ट होती है। और ये अक्सर 7 से 8 साल 10 साल भी लग जाते हैं अगर कैपेसिटी थोड़ी बड़े लेवल की हो। तो अभी ये कह रहे हैं जी कि सऊदी अरेबिया और एक दो और कंट्रीज हैं जी वो कर रही हैं, उनसे प्लज किया हुआ है कुछ, तो वो रिफाइनरीज यहाँ पे लगाएंगी। तो उन्होंने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है काम, जमीन लेके रखी हुई है और वो बड़े टाइम से लेके रखी हुई है। और ये पहले भी बड़ी बार न्यूज़ आ चुकी है कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है रिफाइनरीज में, लेकिन UAE करने जा रहा है, सऊदीया करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो आज वो फौरी तौर पे और बहुत स्पीड से भी स्टार्ट करें तो आप ये देख लीजिए कि वो कम अज़ कम 2030-2028 इससे पहले वो ऑपरेशनल नहीं होगी। इट मीन्स के 6-7 साल लॉन्ग टर्म है ये रिफाइनरीज का ये काम चलता रहेगा। तो इस वजह से इस न्यूज़ को इतना सीरियस ना लें। हाँ, अलबत्त ये है कि इसमें पैनिक और इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, और अगर अभी हम देखें तो ये इस वक्त अटक रिफाइनरी उस रेट पे खड़ी है जहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, अदरवाइज मैक्सिमम ये 160 रुपये तक गिर सकती है, वहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। और अपने आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से चलाया करें, न्यूज़ के हिसाब से नहीं। हर न्यूज़ एक्शन लेने वाली या रिएक्शन देने वाली भी नहीं होती, तो बेहतर ये होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखें। अभी ये नेशनल रिफाइनरी भी उस फेज़ पे है जहाँ से इसने सेकंड इम्पल्सिव मूव शुरू किया था, और वो जी दिसंबर से स्टार्ट किया था। अब ये तकरीबन उस रेट पे है, यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, अदरवाइज ये मज़ीद डाउन जा सकती है और ये 230-240 रुपए तक आएगी अगर यहाँ से इसने प्रॉपरली बाउंस बैक ना किया। तो इसमें भी आप अपने आप को स्टॉप लॉस के साथ वर्किंग करिए। PRL भी अभी उस रेट पे आ चुका है जहाँ से इसने सेकंड इम्पल्सिव मूव स्टार्ट की थी, तो अभी ये 15 रुपये से इसको या 14.5 रुपये से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, और यहाँ से उम्मीद भी बड़ी है कि बाउंस बैक आएगा। इसकी फ्यूचर में काफ़ी रिफाइनरीज में वॉल्यूम बेहतर हुए हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट किया जा सकता है, या जिनके पास होल्ड है उनको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके एंट्री लेनी चाहिए। ये रिफाइनरीज में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आती है, आप सबको पता है, एकदम से पलक झपकते पता चलता है कि ये गिर गया, एकदम से लॉक लग गया या कैप लग गया, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात से। बाइको भी ये अब उसी रेट पे आ गया जहाँ से इसने अपना एक बाकायदा अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, और बड़े अरसे के बाद इसने ब्रेकआउट दे के अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, यहाँ से इसको भी बाउंस बैक करना चाहिए। तो ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, मैंने आपसे रिसर्च और अपनी एक प्रॉपर ओपिनियन शेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस रख के एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर करके इसमें ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग के लिए ये सेक्टर बहुत ही मज़ेदार है, एक ये एक आपका ऑटो सेक्टर और तीसरा है टेक्नोलॉजी सेक्टर, ट्रेडिंग के एतबार से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेक्टर्स हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।